हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप दोस्तों को सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग और कोडिंग इजी लैंग्वेज में यूट्यूब के माध्यम से तो आज हम अपने चैप्टर थर्टी वन पर आ गए हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा एम के बारे में मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर तो ये एम टर्म हमारे जो दोस्त इस मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में काम करते हैं वो अक्सर इस टर्म को सुनते होंगे या देखते होंगे और जो दोस्त हमारे इस प्रोसेस में नए हैं उनको मैं एडवांस में बताना चाहता हूं कि एमएसपी क्या होता है तो आपके सामने सिचुएशन आती है तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे और इसका मीनिंग क्या होता है ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है मेरे चैनल से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर ओके तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मेडिकेयर एमएसपी मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर क्या होता है और क्यों होता है कब होता है तो इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मेडिकेयर पेयर क्या होते हैं मेडिकेयर सबसे कॉमन इंश्योरेंस यूएस में जो गवर्नमेंट की तरफ से पेशेंट्स को मिलती है किन कंडीशन में मिलती है तो उसी से रिलेटेड ऐसा भी होता है कि मेडिकेयर जो होती है पेशेंट्स को मिलती है बट मेडिकेयर कहता है कि मैं प्राइमरी पे नहीं करूंगा कोई और इंश्योरेंस एज ए प्राइमरी पे करेगी और मैं उसके प्रोसेस करने के बाद जो बैलेंसेज वो रिमेनिंग छोड़ेगी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे को इंश्योरेंस डिडक्टेबल कुछ भी हो सकते हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही मैं पे करूंगी अदरवाइज आपको पहले जो है प्राइमरी क्लेम किसी और इंश्योरेंस को भेज तो इस केस में मेडिकेयर एमएसपी बन जाता है मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर बन जाता है बिफोर अ प्राइमरी इंश्योरेंस

मैं ये कंडीशंस आपको पहले बताता हूँ कि कौन-कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें मेडिकेयर एमएसपी हो जाता है ओके वर्किंग एज्ड बेनिफिशियरी व्हेन पेशेंट और हिज हर स्पाउस हैव एम्प्लॉयर ग्रुप हेल्थ प्लान ईजीएचपी थ्रू देयर एम्प्लॉयर तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेडिकेयर पेशेंट्स उन पेशेंट्स को मिलती है जो अपने रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं और उनके पास कोई भी जॉब नहीं है रिटायरमेंट पे है वो कोई इंश्योरेंस तो गवर्नमेंट उनको एक इंश्योरेंस ऑफर करती है उनकी कंडीशन के बेसिस पे लेकिन अगर पेशेंट या उसका स्पाउस अभी भी किसी जॉब में है वर्किंग में है काम कर रहे हैं किसी कंपनी में और उनके एम्प्लॉयर की तरफ से उसे एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई है तो उस कंडीशन में ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्राइमरी कंसिडर होगी और मेडिकेयर सेकेंडरी बन जाएगा मेडिकयर बोलेगा ओके यू आर एलिजिबल फॉर द मेडिकेयर बट फर्स्ट यू नीड टू फाइल द क्लेम्स टू योर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस उस केस में पहले इम्प्ल के इंश्योरेंस को पे करना होगा अगर मेडिकेयर को ये पता है है कि आपके पास और आपने फिर भी प्राइमरी क्लेम मेडिकेयर को भेज दिया है तो वह क्लेम डिनाई कर देगा यह बोलकर कि EGHP को आप सबसे पहले फाइल कीजिए सेकेंड है हमारा एंड स्टेज रीनल डिजीज बेनिफिशियरी मीनस कि मेडिकेयर में जिन पेशेंट्स को एंड स्टेज रिनल डिजीज होती है वो एलिजिबल होते हैं Uh, अपने मेडिकेयर uh, के लिए बट अगर सेम कंडीशन अगर उसके पास एक एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस है तो उस कंडीशन में भी एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस को ही पहले बिल किया जाएगा मेडिकेयर सेकेंडरी बन जाएगा एक और मेडिकेयर कंडीशन है जो कि मेडिकेयर मिलती है डिसेबल्ड पेशेंट्स को लेकिन सेम कंडीशन यही है अगर पेशेंट रिसेबल भी है और मेडिकेयर के लिए एलिजिबल भी है उस केस में भी पहले इंप्लायर की इंश्योरेंस को ही बिल करना होगा उसके बाद ही मेडिकेयर सेकेंडरी इंश्योरेंस एज ए प्रोसेस करेगा क्लेम को एक कंडीशन होती है नो फॉल्ट इंश्योरेंस इंक्लूडिंग ऑटो दैट मीन्स कि अगर पेशेंट की जो इंजरी है वह एक्सीडेंट रिलेटेड हुई है ऑटो इंश्योरेंस में एक्सीडेंट हुआ है उसका ऑटो में इंश्योर हुआ है किसी गाड़ी में कार से एक्सीडेंट हुआ है और उसके पास एक ऑटो इंश्योरेंस भी है देन वो मेडिकेयर का भी पेशेंट है उस कंडीशन में भी पहले उस एक्सीडेंट रिलेटेड सर्जरी को एम सॉरी उस एक्सीडेंट रिलेटेड क्लेम को उस ट्रीटमेंट को पहले ऑटो इंश्योरेंस को ही प्राइमरी बिल किया जाएगा उसके बाद अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है तो वह मेडिकेयर पे करेगा एज ए सेकेंडरी उस केस में भी अगर आपने पहले मेडिकेयर को क्लेम फाइल किया है तो आपका क्लेम डिनाई हो जाएगा यह बोलकर कि दिस इज नो फॉल्ट इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट आप पहले उसको क्लेम फाइल कीजिए उसके बाद ही आप मुझे कीजिए तो यह जो नो no फॉल्ट है इसमें एक छोटा सा एक, एक 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 आप ये कह सकते एक छोटा सा हिंट है कि अगर नो फॉल्ट इंश्योरेंस उन्हीं केसेस को कवर करेगी जहां पे एक्सीडेंट है नॉन एक्सीडेंट इंश्योरेंस के क्लेम्स को आप फिर भी मेडिकेयर को फाइल कर सकते हैं यह बताकर कि यह नॉन एक्सीडेंट था जो कि नो no फॉल्ट एक ऑटो इंश्योरेंस पे नहीं करेगी क्योंकि ऑटो इंश्योरेंस केवल एक्सीडेंट रिलेटेड ट्रीटमेंट को ही कवर करती है उस केस में मेडिकेयर आप मेडिकेयर को एज ए प्राइमरी फाइल कर सकते हैं लेकिन अगर एक्सीडेंट के केसेस से रिलेटेड है और एक्सीडेंट ऑटो इंश्योरेंस के लाइबिलिटी में आता है तो ऑटो इंश्योरेंस को ही पहले क्लेम फाइल होगा मेडिकेयर एज ए सेकेंडरी पे करें उसके अलावा हमारी एक कंडीशन है वर्कर कंपनसेशन दैट मीन्स कि एक वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस होती है जो पेशेंट्स को मिलती है और उस इंश्योरेंस के अंदर अगर पेशेंट इंजर्ड हो जाता है अपनी वर्किंग एटमॉस्फेयर में अपने ऑफिस में अपनी फैक्ट्री में, में या अगर वो ऑफिस रिलेटेड कुछ भी काम कर रहा है या बीमार हो जाता है उस उस वर्क कंडीशन में तो उस केस में जो वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस होती है वह प्राइमरी पे करेगी और मेडिकेयर सेकेंडरी पे करेगा उस केस में भी मेडिकेयर को आप पहले फाइल नहीं कर सकते अगर आपने गलती से कर दिया है और जो कंडीशन है और वो इंजरी है एक वर्कर कंपनसेशन से रिलेटेड है वो मतलब कि वो जो वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस है उसको रिपोर्ट किया गया है उसने माना है कि ये ओके okay, ये वर्कर कंपनसेशन की इंजरी है इसकी जो आपकी इंप्लॉयर की इंश्योरेंस है वर्कर कंपनसेशन वाली वो उसको कवर करेगी तो उस कंडीशन में उन इंजरी रिलेटेड ट्रीटमेंट का सबसे पहले वर्कर कंपनशन को क्लेम फाइल करना होगा देन मेडिकेयर को फाइल करना होगा और मेडिकेयर उस क्लेम्स को प्रोसेस करेगी वेटर एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट दैट मीन्स वेटर हु आर ऑल्सो इन टू मेडिकेयर में चूज विच प्रोग्राम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट यूएस में वेटरन्स वो रहते हैं जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन होते हैं तो एक यूएस की गवर्नमेंट जो है उनको एक स्पेशल इंश्योरेंस देती है आर्मी के रिटायर्ड लोगों को उसको हम वेटरेंस अफेयर्स या वेटरस एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योरेंस कहते हैं तो अगर एक पेशेंट या एक पर्सन वेटरेंस इंश्योरेंस के लिए भी एलिजिबल है और मेडिकेयर के मेडिकेयर इंश्योरेंस के लिए भी एलिजिबल है उस कंडीशन में भी वेटरेंस एडमिन इंश्योरेंस फर्स्ट मानी जाएगी और मेडिकेयर सेकेंडरी हो जाएगा एमएसपी हो जाएगा और अगर क्लेम हमने फाइल कर दिया है तो मेडिकेयर यह कहकर डिनाई कर देगी कि पहले आप वेटरेंस को फाइल कीजिए और वेटरेंस उस क्लेम को एज ए प्रोसेस करेगी एज ए प्राइमरी पेज करेगी प्रोसेस करेगी उसमें इसमें हो सकता है कि वेटरेंस को एक ऑथोराइजेशन इश्यू करना हो पेशेंट को नेसेसरी हो एक ऑथराइजेशन ओपटेन uh, uh, करना वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन की ही रहेगी मेडिकेयर सेकेंडरी होगा अगर किसी कंडीशन में वेटरन्स डिनाय कर देता है किसी रीजन से कि यह मैं सर्विस स्टेटमेंट नहीं कवर कर रहा हूं उस कंडीशन में अगर आप वेटरन्स का डिनायल मेडिकेयर को भेजते हैं सेंड करते हैं तो मेडिकेयर उस क्लेम को प्रोसेस कर देगा यह बोल के वेटर ने अगर पे नहीं किया तो कर देगा बाकी कंडीशन में शायद ना करे लेकिन वेटर कंडीशन में मैंने काफी बार ऐसा देखा है कि अगर वेटर डिनाई करता है और मेडिकेयर को हम उसकी ईओ सबमिट करते हैं या उनको अपील करते हैं ये बताते हैं कि देखिए वेटरस ने कह दिया कि ये कंडीशन ऐसी हैं कि हम पे नहीं कर सकते हैं उस केस में मेडिकेयर पे कर देता है एज ए सेकेंडरी प्रोसेस करता है लेकिन जो पेमेंट इशू करता है वो एज ए प्राइमरी के बेसिस पे ही करता है ज्यादा पेमेंट इशू करता है तो इस वीडियो से रिलेटेड मैंने कुछ लिंक्स अपने दोस्तों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं जिससे कि आप देख पाएँ कि डिटेल में इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि एम क्या होता है किस कंडीशन में होता है कुछ टेक्निकल लैंग्वेजेस भी हैं जो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में ईजी तरीके से आपको समझाने की क्यों आपको ईजिली समझ में आ जाए पर अगर आप कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी डिटेल्ड इंफॉमेशन पढ़ना चाहते हैं तो इस डिटेल के लिंक में जो लिंक्स हैं उन लिंक्स पर जाइए उन पर रीड कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको इससे बेनिफिट मिला या नहीं मिला और मैं ये जानना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त हैं इस प्रोसेस में काम करते हैं उनके पास मेडिकेयर एम एस के डिनाइल कैसे आते हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा डिनाइल कोड आता है क्योंकि जो एक डिनाइल एक पर्टिकुलर डिनायल कोड आता है इन इन एम uh, एस के डिनाइल्स में वह कोड क्या है उन कोड्स को सोल्यूशन आप इस वीडियो से कर सकते हैं क्योंकि मैंने सारी कंडीशन बताई हैं तो आप अगर उन कोड्स को उस डिनाइल कोड को इन डिनाइल के बेसिस पे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया है इन इन डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे अगर जज करेंगे तो आप ये क्लेम्स को अपने सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे बताइए कि ये डिनायल कौन को सा कोड आता है जो एम के लिए आते हैं और कोशिश करूंगा मैं अगले वीडियो में आपको ये डिनायल सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बता सकूँ कुछ स्निप्स दिखा सकूँ इंश्योरेंस की वेबसाइट पर कैसे आप जज कर सकते हैं कि यह इंश्योरेंस एम है डिफरेंट डिफरेंट सिनारी के लिए तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत होगा बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इस प्रोसेस में आना चाहते हैं लर्न करना चाहते हैं अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं इस प्रोसेस में तो मैं आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू दोस्तों